गुड मॉर्निंग एवरीवन, और इस प्यारी प्यारी सुबह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है मेरे हल्दी के प्लांट, और ये करीब 1-1.5 महीना पहले मैंने लगाए थे, और ये इस क्रेट में लगाए थे। देखिए जितनी हल्दी की गांठें हैं, एक एक गांठ में से 2-3 स्टेम निकल कर आ चुकी हैं ये। और पिछली बार मेरी हल्दी बहुत अच्छी हुई थी, और मैंने एक गांठ बचा ली थी, एक या 3-4 बचा ली थी, थोड़ी बहुत यूज़ करी, ये फिर भी बच गई। और अब देखिए इसमें जर्मिनेशन आपको दिख रहा होगा ये, तो आज मैं सोच रही हूँ मैं इसको भी लगा दूँ। तो जब इस तरह से आलू में या हल्दी में, अदरक या शकरकंदी, इनमें से जब ये यहाँ से, ये आँख बोलते हैं हिंदी में, तो वैसे ये नोड्स होते हैं, नोड्स में से ये रूट जर्मिनेशन हो जाए, यानी कि इसको लगा सकते हैं अब हम। आलू में भी इसी तरह से होता है, ये देखिए आलू में से भी इसी तरह से। वैसे आलू और ये स्टेम है, पर लेकिन स्टेम तो सोच के हमें अजीब लगेगा, हम सोचेंगे स्टेम तो ये वाला पार्ट है, पर साइंटिफिकली तो ये स्टेम होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये रूट है, लेकिन साइंटिफिकली ये स्टेम है, यानी कि हमें इसे ज़मीन के अंदर दबाना है। तो इसको लगाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। ये देखिए मैंने तो बिल्कुल फ्री का कंटेनर लिया है, इसको कट किया, इसमें बहुत अच्छी सॉयल मिक्सचर, ये देखिए बिल्कुल फ्री फ्लो, ऐसा सॉयल मिक्सचर हो, इसमें इतना ही वर्मी कंपोस्ट है, इतनी ही मिट्टी है, और मैंने गोबर की खाद इसमें नहीं मिलाई क्योंकि मेरे पास थी नहीं, और वैसे भी गर्मियों में थोड़ी गर्म भी रहती है, तो ज़्यादा मैंने एफर्ट्स भी नहीं किए। और थोड़ा सा मैंने परलाइट, फंजीसाइड, हल्की सी राख, और इसको मिट्टी में दबा दें बिल्कुल। और देखिए ये वाला कंटेनर भी मैंने काफ़ी खाली रखा हुआ है, इतना, इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी बाद में चढ़ाएंगे, तो ऐसे ही मैंने इसको भी इतना खाली रखा हुआ है, बाकी मिट्टी मैं इसमें बाद में चढ़ा दूँगी, और इसमें मैं अब वाटरिंग कर दूँगी। इसके लिए ना हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपने आप ही अपना ये इंट्यूशन दे देती है कि कब इसको बोना है और कब इसको निकालना है। क्या होंगे ये पौधे अपने आप ही, अभी तो खूब लंबे लंबे, बहुत हेल्दी ग्रो होंगे अभी तो ये। फिर मैं इसमें मिट्टी चढ़ा दूँगी, और काफ़ी बड़े हो जाएंगे इतने इतने, तो मैं इसमें मिट्टी चढ़ा दूँगी, और उसके बाद में क्या होगा कि जब ये मैच्योर हो जाएंगे और नीचे गांठें बन जाएंगी, तो अपने आप ही इसमें ये सूखने लग जाएंगे। पिछली बार मैंने गलती क्या की थी कि थोड़ी सी हल्दी लगाई थी, तो उसी कंटेनर में साइड में कोई और पौधा था, उस पौधे को बचाने के लिए मुझे पानी देना पड़ता था। तो अब की बार मैंने देखा कि मैं एक अलग ही क्रेट में सारे में हल्दी लगाई है मैंने, और फिर उसमें पानी देना हम बंद कर देंगे, और अपने आप ही बिल्कुल सूख कर, और उस समय इसकी खुदाई का समय आ जाएगा। ये अपने आप ही अपने आप को ऐसा दिखाना शुरू कर देगी कि सूख गए, ख़राब हो रहे हैं ऊपर के, ये सब अभी तो बहुत हरे हरे अच्छे ग्रो होंगे, फिर अपने आप कम हो जाएंगे, और काफ़ी अच्छी हल्दी निकल जाती है। कुछ भी नहीं, बस इसको लगा के बाकियों के साथ पानी देते रहो, मिट्टी में अच्छे से फर्टिलाइज़र, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी इसमें तो गोबर की खाद भी मिलाई थी, और इस वाले में वर्मी कंपोस्ट काफ़ी अच्छी मात्रा में डाली है मैंने, तो बड़ा इजी ग्रोइंग है ये। और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और आप भी हल्दी को उगाएँगे, और आप भी पूरी सर्दी अपने दूध में मिलाइए, और वैसे ग्रीनरी को इन्जॉय करिए, कितने अच्छे ग्रीन, कितने सुंदर पत्ते हैं। और दूध में मैं तो बच्चों के हमेशा पूरी सर्दी मिलाती हूँ, चाहे आप उस थोड़ी सब्जी में भी डाल सकते हो, कच्ची हल्दी है और प्योर बिल्कुल ऑर्गेनिक। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ और खूबसूरती के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।